राम राम ज्ञान गठरी में आपका स्वागत है। अनमोल भजनों और रोचक जानकारी का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। आप सभी भक्तों का ज्ञान गठरी चैनल में स्वागत है। अब मैं आपके सामने कार्तिक मास की आगे की कथा कहने जा रही हूँ। बोलो शालिग्राम भगवान की जय, तुलसी माता की जय। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, जलंधर ने हमारा बड़ा आदर और सत्कार किया, भक्ति भाव से पूजन करके कहने लगा, महाराज आपका कैसे आगमन हुआ और मेरे लिए क्या आज्ञा है? हमने कहा, दैत्यराज मैं कैलाश गया था, वहाँ पार्वती सहित अवधूत शिव का और उनका वैभव देखा तो चकित हो गया कि क्या ऐसा वैभव और किसी का भी हो सकता है। ऐसा विचार कर तीनों लोकों में भ्रमण करता हुआ यहाँ पर आया हूँ। यहाँ आकर तुम्हारी समृद्धि भी देखी है। तुम्हारे और शिव के वैभव में और कोई अंतर नहीं है, किंतु तुम्हारा वैभव स्त्री रहित है। भस्म लेपन करने वाले राग रहित कामदेव के शत्रु शिव के पास स्त्री रतन जैसी पार्वती है। यद्यपि तुम्हारे पास अनेक सुंदरियां हैं, परंतु उनमें से कांतिमान पार्वती की तुलना कोई भी नहीं कर सकती। अतः तुम्हारा यह वैभव स्त्री रतन रहित देखकर यह निश्चित हुआ कि शिव के समान वैभवशाली इस समय त्रिलोक में कोई नहीं है, क्योंकि उनके पास पार्वती जैसी ऐसी स्त्री है जिसको देखकर ब्रह्मा जी ने अनेक अप्सराएं रची, परंतु एक भी पार्वती की समता को नहीं पहुंच सकी। नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, हम तो इतना कहकर वहां से चले आए, परंतु जालंधर ने पार्वती जी की इतनी सुंदरता सुनकर कामज्वर से पीड़ित हो राहु को बुलाकर शिव के पास भेजा। राहु उसी समय चंद्र के समान उज्ज्वल कैलाश को काला करता हुआ द्वारपाल नंदी द्वारा रोके जाने तथा शिव के सामने उपस्थित किए जाने पर उनसे बोला कि हे शिव, तीनों लोकों के नाथ और सब रत्नों के स्वामी जलंधर की आज्ञा सुनो। शमशानवासी तथा नरमुंडों की माला धारण करने वाले जटाजूटधारी तुम्हारे जैसे अवधूत के पास पार्वती जैसी परम सुंदर स्त्री शोभा नहीं देती। मैं तीनों लोकों का नाथ सब रत्नों का स्वामी हूँ, क्योंकि पार्वती भी स्त्री रतन है, अतः वह मेरे साथ ही शोभा दे सकती है, तेरे जैसे भस्म धारण करने वाले योगी के पास नहीं रह सकती। नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, राहु के इतना कहते ही श्री शिव जी ने अपनी भ्रगटी में से एक अति भयंकर ऐसे पुरुष को उत्पन्न किया जिसका सिंह के समान मुख, जलती हुई अग्नि के समान लाल लाल नेत्र और शरीर पर खड़े हुए बड़े बड़े बाल थे। उत्पन्न होते ही जब वह राहु को खाने के लिए आगे बढ़ा तो राहु भयभीत होकर कहने लगा, हे शिव, मैं ब्राह्मण हूँ और दूत भी, अतः तुम मुझको मत मारो। ऐसा कहने पर शिव ने राहु को पकड़कर आकाश में फेंक दिया। तब वह भयंकर पुरुष को छोड़कर शिव के पास आया और कहने लगा कि मैं भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ दो। तब शिव जी ने कहा, तुम अपने हाथ पैरों को खाओ। जब वह हाथ पैरों को खाता हुआ सारे धड़ को खा गया, केवल मुख ही बचा, तब शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा, आज से तुम्हारा नाम कीर्ति मुख होगा और तुम हमारे द्वारपाल होगे। पहले तुम्हारी पूजा होगी, तुम्हारी पूजा बिना हमारी पूजा निष्फल होगी। उधर राहु आकाश में जाकर बर्बर देश में गिरा। राहु की ऐसी दशा सुनकर जलंधर को बड़ा क्रोध आया और वह दैत्यों की 1 करोड़ सेना लेकर अपनी पुरी से बाहर निकला। बाहर निकलते ही सामने एक आंख वाले शुक्राचार्य और अंगहीन राहु मिले। इनके अतिरिक्त और भी अनेक अपशुकन हुए, परंतु वह रुका नहीं। तब दैत्य सेना सारे आकाश में छा गई। जब देवताओं ने जलंधर की कैलाश पर चढ़ाई देखी तो छिपकर शिवजी महाराज को खबर की। श्री शिवजी ने उसी समय विष्णु भगवान का स्मरण किया। स्मरण करते ही भगवान वहाँ उपस्थित हो गए। तब शिवजी ने कहा, भगवान आपने देवताओं को पीड़ा देने वाले इस दैत्य को मारा क्यों नहीं? इतना ही नहीं, आप वहाँ जाकर उसके घर में विराजमान क्यों हो गए? तब विष्णु जी कहने लगे कि आपके अंश से उत्पन्न हुआ है और लक्ष्मी जी का भाई है, इसी कारण हम इसको नहीं मार पाए, यह आपके हाथ से ही मारा जाएगा। तब शिव जी बोले, यह तेजस्वी दैत्य हमसे नहीं मारा जाएगा, आप सब इसको मारने के लिए अपना अपना तेज दीजिए। तब विष्णु सहित सब देवताओं ने अपना अपना तेज दिया। इसके बाद शिव जी ने उस तेज को इकट्ठा करके ज्वाला माली सुदर्शन चक्र बनाया
और एक वज्र बनाकर जलंधर से युद्ध करने को तैयार हुए। शिवजी के भूत गणों की सेना में समस्त देवगण भी आकर सम्मिलित हो गए। उधर कैलाश के निकट जलंधर अपनी सेना लेकर आ पहुंचा। इधर कीर्तिमुख, नंदी आदि सब गण और देव सेना भी मैदान में आ डटी। तब जलंधर और देवताओं को ऐसा घोर संग्राम हुआ कि जिससे सारा विश्व कंपायमान हो उठा। युद्ध में जितने भी दैत्य मारे जाते थे उन सबको दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर देते थे। यह देखकर भूतादि गण भाग कर शिव जी के पास गए और उनको संपूर्ण वृतांत सुनाया। तब शिव जी ने अपने मुख से महाभयंकर तालजंगा, जिसका मुख पर्वत की कंदरा के समान था, एक कन्या उत्पन्न की। वह कन्या दैत्यों को खाती हुई शुक्राचार्य को उठाकर एकदम अलोप हो गई। तब दैत्यों को शिवगण बुरी तरह से मारने लगे। गणों की इस मार से घबराकर दैत्य सेना भागने लगी। दैत्य सेना को इस प्रकार भागते देखकर जलंधर के सेनापति शुभ और निशुभ तथा कालनेमी आगे आए। इनको देखकर दैत्यों ने अनेक प्रकार से देव सेना पर प्रहार किए, जिससे देव सेना मार खाकर भागने लगी। तभी गणेश जी और शुभ का घोर युद्ध हुआ। इस बार अपनी सेना को भागती देखकर जलंधर स्वयं रण क्षेत्र में आया। देव सेना की ओर से वीरभद्र अनेक प्रकार के पहाड़ जलंधर पर करता रहा। तब जलंधर ने क्रोध में आकर अपना परिध उस पर दे मारा और उसके रथ की पताका को काट दी। साथ ही जलंधर ने बाण वर्षा करके देव सेना में भगदड़ मचा दी। अपनी सेना की ऐसी दशा देखकर स्वयं शिव जी बैल पर चढ़कर युद्ध के लिए आए और आते ही दैत्य सेना पर बाणों के तीव्र प्रहार किए। इन प्रहारों से दैत्य सेना इस प्रकार भागने लगी जैसे कार्तिक मास के व्रत से पाप भाग जाते हैं। उसी समय शिव जी ने अपने बाणों के प्रहार से खई गरोमा का सिर काट कर पृथ्वी पर गिरा दिया। तब जलंधर ने महाघोर ललकार की तो शिव जी ने उसके हाथ रथ के घोड़ों और सारथी को भी मार गिराया। तब जलंधर पैदल ही अपना खड़ग लेकर शिव जी की ओर दौड़ा। शिव जी ने तत्क्षण एक मुक्का उसकी छाती में मारा, जिससे वह कुछ विहुल हो गया। इस प्रकार जब दैत्यों ने देखा कि शिव अजय है तो उसने गंधर्व माया रची। गंधर्व और अप्सराएं नाचने और गाने लगी। शिव जी भी इस माया में फंसकर नाचने और गाने लगे। जलंधर दैत्य श्री शिव जी को माया में फंसा देखकर महादेव जी का रूप धारण करके पार्वती जी के पास गया और पार्वती जी का सुंदर रूप देखकर कामान हो गया। पार्वती जी महादेव जी को आया देखकर खड़ी हो गई, परंतु तत्काल ही राक्षसी माया समझकर वहां से अंतर ध्यान हो गई। तब जलंधर पुनः युद्ध भूमि में आया। उधर जलंधर के चले जाने के बाद पार्वती जी ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। तब भगवान विष्णु ने वहां उपस्थित होकर पार्वती जी को आश्वासन दिया। भगवान विष्णु ने सोचा कि जलंधर ने स्वयं अपनी मृत्यु का रास्ता बता दिया है। यह दुष्ट वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण ही मृत्यु को प्राप्त नहीं हो रहा है, अतः देवताओं के कार्य तथा भक्तों की रक्षा करने के लिए हमको ही वृंदा के धर्म को भंग करने का घोर कर्म करना पड़ेगा। ऐसा करने पर ही इस दुष्ट की मृत्यु होगी। इतनी ही देर में शिव जी भी राक्षसी माया से मुक्त होकर जलंधर को आया देख उसके साथ युद्ध करने को उद्यत हुए और उस पर अनेकानेक बाणों का प्रहार किया। इस तरह उन दोनों का घमासान युद्ध चलता ही रहा। बोलो कार्तिक महातम की जय। इसके आगे की कथा हम कल कहेंगे। बोलो शालिग्राम भगवान की जय, तुलसी माता की जय।